कि आपका वार्ड कैसे हार गए, आपकी पोलिंग कैसे हार गए, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार गया। ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता थोप दिया और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला इस कारण से? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता है ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे? आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है, उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें पहले राउंड से लेकर के देखी है। वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है, उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे हमारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते हैं। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठाएंगे, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता, और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे, सवाल तो बनता है कि किसने जीताघात किया। मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ। और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे और आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था। सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।